कार तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। इस वक्त मैं मंडी डवाली के गांव टप्पी नेशनल हाईवे पर हूं, जहां पर अयोध्या से वापस लौटे तीन जो कि राम भक्तों का गांव वालों की तरफ से फूल बरसाकर फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। और हो भी क्यों ना, ये एक ऐसे अनोखे राम भक्त हैं जिन्होंने साइकिल यात्रा करके एक ऐसा इतिहास रचा है। दरअसल पिछले कई दिनों से जो कि रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में 22 जो तारीख को एक सबसे बड़ा जो कार्यक्रम था उसमें शिरकत करने के लिए ये लोग वहां पर पहुंचे थे, और वहां पर साइकिल लेकर ये लोग इन्होंने साइकिल यात्रा करके श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शिरकत की, और पूरे ग्रामीणों की तरफ से ढोल नगाड़ों के साथ फूल मालाएं पहनाकर पुष्प वर्षा करके इनका जो स्वागत है वो किया जा रहा है। ये एक अनोखा उत्साह, एक ऐसा जुनून और एक राम भक्ति की बेमिसाल ऐसी गाथा है जो इन तीन युवाओं ने एक ऐसी कहानी मिसाल पेश की है, जिसकी पूरे गांव ने आज इनका जोरदार यहां पर स्वागत किया है। और ढोल नगाड़ों के साथ पिछले कई दिनों से जो कि करीब 1500 किलोमीटर का सफ़र तय कर साइकिल के जरिए ये लोग अयोध्या में श्री रामचंद्र जी के जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पहुँचे थे, और वहाँ पर जो 22 को ज़्यादा भीड़ होने की वजह से प्रोटोकॉल की वजह से नहीं जा पाए, और 23 को उन्होंने जो अपना वहाँ पर हाजिरी लगाई और उसके बाद साइकिल से अपने गांव पहुँचे। तो गांव पहुँचने पर पूरे ग्रामीणों की तरफ से, ग्राम पंचायत टप्पी की तरफ से उनका जो हार्दिक यहाँ पर स्वागत किया गया है। गांव टप्पी में हूँ, जहाँ पर एक बेमिसाल, एक ऐसी अनूठी जो मिसाल इस गाँव के युवाओं ने पैदा की है। दरअसल ये तीन युवा हैं जो अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में पहुंचे थे, और जुनून देखिए कि साइकिल पर सवार होकर करीब 1500 किलोमीटर का बहुत बड़ा जोखिम भरा रास्ता इन्होंने तय किया, और आज पूरे गांव की तरफ से इनका गांव में आगमन पर बहुत बड़ा इनका स्वागत किया गया है। और हमारे साथ तीनों वो राम भगत हैं। भाई साहब, सबसे पहले आपको जय श्री राम। 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 भाई साहब, कितनी तारीख को आप चले थे, और आखिर ये तीन लोगों में कैसे उत्साह आया, आपने कैसे ये सोचा कि इतनी बड़ी यात्रा की जाए, और कितना बड़ा सहयोग गांव का कैसे रहा? गांव का तो देखिए बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है हमें, और अभी भी देखिए आप देख सकते हैं कि कितना प्यार हमें मिल रहा है। तो दरअसल क्या है कि सोचने से कुछ नहीं होता, हम सब समझते हैं, लेकिन ये प्रभु की कृपा रही है कि हमें वो उनसे ऑर्डर हुआ था, हम लोग यहाँ से निकले थे। और सबसे पहले मैंने भाई के साथ डिस्कशन किया कि हम लोग वहाँ पे ऐसे करके साइकिलिंग यात्रा करके चलते हैं, तो भाई हुआ और साथ में छोटे भाई भी मेरे साथ चल दिए, कि क्योंकि यूपी का थोड़ा सा वैसा एरिया, तो हम लोग मतलब कि सिक्योरिटी पर्पज से तीनों गए हुए थे। तो एक्चुअली क्या है कि मैंने 2 साल पहले एक वेब सीरीज की थी, तो उसका जो पूरा डाटा था वो मेरा हैक हो गया था, और उसकी वजह से मतलब वो बीच में ड्रॉप हो गया था मेरा प्रोजेक्ट। अभी मैं वहीं पर जाकर रिलीज करके आया हूँ, तो मतलब वो होगी सब चीज़ें सही, तो कुछ ये भी कारण था और कुछ चलो भगवान जी का ऑर्डर, तो उसी वजह से हम लोग वहाँ पर गए थे। भाई साहब, कोई मुश्किल तो नहीं आई रास्ते में, कैसे इतना रास्ता साइकिल से? भी मुश्किल नहीं आई, हम लोग मतलब कि एक हमारी मतलब कि मानसिकता है कि यूपी का कुछ एरिया वैसा है कि थोड़े से वहाँ पे माउंटेन ज़्यादा है, तो कुछ भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है पूरे रास्ते में। हाँ जी, भगवान जी के पास पहले कोई मन में आया था कि इतना बड़ा रास्ता है साइकिलों से? कुछ नहीं आया, मतलब ऐसा कुछ भी विचार नहीं आया था, तो मतलब भगवान जी की कृपा रही है कि कुछ भी तरह की कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पे भी रहने खाने मतलब कि हमारे वहाँ पे जाते ही VIP पास बन गए धर्म योद्धाओं के, तो वहाँ पे जो हमारे टेंट्स लगे हुए थे VIPs के, उनमें हमारा सब ट्रीटमेंट हुआ है, और सबसे पहले ही हमारे दर्शन हुए हैं 23 तारीख को 7 बजे हमने दर्शन कर लिए थे, जिसको पूरा मुझे लगता है देश ने दुनिया देख रही थी रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा को। आपको मौका मिला वहाँ पर पास जाने का, तो कैसी अनुभूति हुई है वहाँ? सर, मैं तो ये चाहूँगा कि भगवान की जो एक हमारे ऊपर जो कृपा रही, हम उसने सौभाग्यशाली हैं कि हमने भगवान जी के सबसे पहले दर्शन किए, उन जो 500 साल की लड़ाई के बाद में, मतलब कि बहुत कम लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त, उसमें हम लोग मतलब कि एक हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। कैसा नज़ारा है भाई साहब वहाँ पे? भैया जी, देखते ही आपको मतलब कि रूह खुश हो जाएगी, इतनी मतलब के भी वहाँ पे देखने के बाद में इतनी खुशी मिलती है ना कि हम लोग मतलब देखिए बयान नहीं कर सकते शब्दों में। वहीं पे जाके देखिए सब चीज़ें, आपको ही वही एक्सपीरियंस मिलेगा। तो मैं तो सभी भाइयों से यही कहूँगा कि एक बार टाइम निकाल के वहाँ पे जाएं, भगवान जी के दर्शन करके आएँ, तो आई थिंक ये हर एक हिंदू का एक धर्म भी बनता है वहाँ पे जाने का, क्योंकि आपको पता है कि 84 टाइम हमारे वहाँ पे जो फाइट्स हो चुके हैं उसके लिए, कितने कार्यकर्ता हमारे वहाँ पे शहीद हो चुके हैं, और कितनी जनरेशन उसके लिए चली गई हैं। तो हमें भी ये देखो आज इतने टाइम के बाद ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हर एक हिंदू वहाँ पर जाके दर्शन करें, तो मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वहाँ पर एक बार जाएँ, वो नज़ारा देखें और भगवान जी के दर्शन करके ज़रूर आएँ। आप तीनों का क्या रिलेशन था, मित्रता है कोई? हाँ, ये मेरे दोस्त हैं डबवाली से, और वो छोटे भाई हैं।
दोनों भाई? हाँ जी, सगे भाई हैं। ठीक है भाई साहब, कैसा महसूस हो रहा है आज गांव में पधारने पर आपका? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है भैया, हमें तो बहुत सम्मान मिल रहा है और रास्ते में बहुत ज्यादा सम्मान मिला और वहाँ जाके भाई एकदम मन को प्रसन्नता मिल गई पूरी। हाँ जी, तीन दोस्तों की जोड़ी, दोनों ब्रदर है आप? हाँ जी, हाँ जी। भाई साहब, रास्ता बड़ा कठिन था, मन में कोई ऐसा था पहले चलने से पहले की? पहले चलने में थोड़ी दिक्कत परेशानी का सामना, मतलब ऐसा था, डर सा था यूपी में जाने के लिए, पर यूपी में जाके बहुत अच्छा माहौल मिला, काफी पुलिस भी वहाँ की काफी सपोर्टिव है पूरी। हाँ जी, ऐसी याद जो आप कभी नहीं भूल सकते इस अयोध्या यात्रा की? अयोध्या यात्रा की कुछ तो हमारी यादें जो रास्ते की और मंदिर में जो हमने सबसे पहले दर्शन किए वो कभी नहीं भूल सकते हम, तो किसी को भी मौका मिले जरूर एक बार दर्शन करके जरूर आना। हाँ जी, कैसा महसूस हो रहा है आप? तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चमत्कारी यात्रा थी जो हमारी थी ना। जैसे हम जहाँ से निकले थे हमने कभी सोचा नहीं था कि जाएंगे, तो प्रभु राम की कृपा ऐसी रही कि हमें पहले तो वृंदावन लेके गए वो, फिर गोकुल में हमने उनके जो जहाँ पे जन्म स्थान था वहाँ पे दर्शन किए और रमन रेती में भी गए, फिर उसके बाद हम अयोध्या गए थे। तो यात्रा में कभी हमें कभी ऐसा समय आता था कि हमें लगता था कि थोड़ी बहुत परेशानी आ रही है, लेकिन उसके बाद ऐसा हो जाता कि अपने आप कोई परेशानी ना, प्रभु हल कर देते थे। हाँ जी, भाई सब साइकिल चलाने में कोई दिक्कत नहीं आई? इतनी बड़ी थकावट भी होती है ऐसी, तो थोड़ी बहुत आती पर इतना नहीं है कि नॉर्मल अगर चलाएं कहीं पे जाना तो 10 किलोमीटर भी नहीं जा पाएंगे, और वहाँ पर अगर हम 1200 किलोमीटर की यात्रा की तो कोई ऐसा लगा नहीं हमें कि दिक्कत वाली बात इतनी। ठंड की कितनी परेशानी होगी भाई साहब? ठंड तो उधर कम है जी थोड़ी, हम टी शर्टों में चलाते थे यात्रा जो अपने। हाँ जी, हाँ जी, तो अपने से बहुत कम है ठंड जो है। क्या मन्नत मांग कर आए हैं आप? मन्नत तो जी हमने सभी की सुख शांति, जिन्होंने भी अपने को बोला था कि हमारी हाजिरी लगाना, और बस सुख शांति की है मन्नत इस तरह। हाँ जी भाई साहब, गांव के लिए कुछ मांगा? सर, गांव के लिए क्या, पूरी दुनिया के उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि भगवान जी सब हिंदुओं पे कृपा बनाए रखें, और सबसे पहले मैं चाहूँगा कि मेरे गांव वालों ने मुझे इतना प्यार दिया उसके वाला मैं शुक्रगुजार हूँ, और अभी भी आप देख सकते हैं हमारे कितना सम्मान है हमारे, मतलब गांव के वालों के जो दिल में एक हमारे लिए एक अलग से जो रिस्पेक्ट है उसका हम लोग कभी भी दे नहीं दे सकते। तो सभी देशवासियों को, सभी गाँव वासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएँ, और सबका मैं आभारी हूँ कि उन्होंने हमें इतना सम्मान दिया। तो बहुत बहुत शुक्रिया, ये तीनों राम भगत और पूरा गांव भी राममयी है, और मैं आपसे गुजारिश चाहूँगा आप कमेंट सेक्शन में जय श्री राम इन भाइयों के लिए जरूर लिखें, क्योंकि तीन भाइयों ने एक ऐसी मिसाल पैदा की है जो ताउम्र तक याद रखी जाएगी, और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने का इनको सुनहरी जो मौका मिला, और आज गाँव वालों ने भी इनको सर माथे पर बैठाया है, क्योंकि ये लोग पूरे गांव की मन्नत सुख समृद्धि की कामना लेकर निकले थे, और यात्रा इनकी संपूर्ण सफल हुई है, और एक ऐतिहासिक जो पहल इस गांव की तरफ से, इन युवाओं की तरफ से जो अनोखी एक वानगी देखने को मिली है वो वाकई ही बेमिसाल है। पिंड टप्पी वास्ते ते समूह नाके वास्ते बहुत ही खुशी की गल है कि साढ़े पिंडों दो मुंडे समीर चौधरी साहब तो सुरेंद्र चौधरी साहब के नाल इन्हां दे फ्रेंड जतन जी अयोध्या श्री राम मंदिर जी दे प्राण प्रतिष्ठा दे विच पहुँचे ने, ते पिंड दी हाजरी लगी है, ते समूह नगर ने आके इन्हां दा सहकुशल वापस आए है, ते सारे पिंड दे विच बहुत ही खुशी दा माहौल है, ते सारे पिंड ने अपने पिंड दे विच इक खासियत है कि सारे धर्मां दे लोग रहिंदे ने, सब नूं मनदे ने, ते इन्हां दी खुशी विच हर एक समाज तो बंदे अज आके इन्हां पिंड दे विच खुशी है भी ऐ मन्नो भी सारा पिंड ही अयोध्या जी जाया आ। इस तो वध होर असीं की कह सकते हैं, परमात्मा इन्हां नूं तरक्की देवे, खुशियां देवे, ते इलाके च सुख शांति रहे। धन्यवाद। क्या कहना चाहोगे? सब तो पहला तो मैं कहना चाहूँगा भी बहुत वड्डी गल है, नशे का युग चल रहा है, हर नौजवान नशे च बेरोजगारी ते नशे च डुब्या होया, ये शरदा के तौर पर पहला सब तो पहला यह मैंटली प्रिपेयर होए भी असीं इन्नी यात्रा करांगे 977 किलोमीटर का सफ़र, फिर फिजिकली स्ट्रोंग होए। मैं कहना हर नौजवान नूं शरदा एक अलग चीज़ है, पर फिजिकल तौर पर स्ट्रोंग हो के आए है, हो के गए सी, और शरदा दूजी गल सब तो वड्डी गल पिंड वाले नूं भी पता है, इन्हां दे फादर साहब स्वर्गीय राम जी, उन्हां दे नाल राम जी सीगा, मॉर्निंग जदों असीं पिंड च बोलिया भी उन्हां दा स्वागत करना है, ये बोलिया गया भी राम जी दे बेटे अयोध्या तों वापस आ रहे, सब तो वड्डी गल है। और सब नौजवानों नूं मैं तो कहना सारे पिंड नूं मैं अपील करूँगा भी जे कोई भी किसी भी फील्ड च नौजवान अगे आउंदा तां इसे तरह ही उन्हां दा होर जोर नाल स्वागत होना चाहिए तां कि लोग नशियां तो दूर रहन ते प्रसिद्धि हासिल करन। हाँ जी, साढ़े पिंड वास्ते बहुत गर्व की गल है, बहुत वधिया इन्होंने किया मुंडिया ने, नौजवान जो साढ़े पिंड वास्ते अयोध्या गए जी, उत्थे शरदा मुताबक सारे पिंड की भी शरदा है, इन्होंने मुंडिया की बहुत शरदा सी,
ਅਤੇ ਅਯੋਧਿਆ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗਰਵ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। जय श्री राम पन्नू साहब। हम के बड़ी खुशी की बात है, 500 वर्षों के बाद हमारे लाम लल्ला की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है देश में, ये भारतवर्ष का राम राजा शुरू हो रहा है। हमारी जो सरकार ने ये उपराला किया है, सभी जनता ने मिलकर बहुत अच्छा किया है। हमारे बेटे भी जो गए इस प्रोग्राम में भागीदार बने, हमारे गाँव का भी नाम ऊँचा हुआ, बहुत अच्छी बात है। जो ये राम राजा जैसे राम के राज्य में था, सभी प्राणी सभी जीव जंतु सभी जाति पाति के लोग आराम से रहते थे, ऐसे राम राज्य द्वारा आए। हम इच्छा करते हैं आपके चैनल के थ्रू, तेज हरियाणा के थ्रू हम ये संदेश देना चाहते हैं सारे संसार को भी, प्रेम से रहो, राम सबका है, किसी एक का नहीं, हम सबको मिल के रहना चाहिए। ठीक है, ऐसी जी थे अयोध्या बहुत बढ़िया इन्होंने कराया, बहुत बढ़िया इन्हें यात्रा रही, राम जी का आशीर्वाद रहा। असी इन्हों यही साड़ी दुआ है भी इन्हों तरक्या बख्शे मालक, बहुत इन्ह का नाम होवे, बहुत ही अच्छे बच्चे है जी। हाँ जी, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद।